नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। पता सुजुकी गाड़ी होती फट जाती 20 से, सुजुकी गाड़ी होती 20 से फट जाती। आज के टाइम पर अगर सबसे ज्यादा किसी सेगमेंट की सेल इंडियन मार्केट में होती है तो वो है एंट्री लेवल हैचबैक। आज ही नहीं बल्कि काफी पहले से ये सेगमेंट हमेशा ही टॉप पर रहा है। अब इसका जो रीजन है वो लगभग सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। एंट्री लेवल हैचबैक शोरूम से काफी सस्ती होती हैं, मतलब गाड़ियों की स्टार्टिंग ही इन्हीं से होती है, इसीलिए एक मिडिल क्लास फैमिली को इस सेगमेंट में जाना थोड़ा आसान होता है। खैर, आज के टाइम पर कई सारी कंपनियों की एंट्री लेवल हैचबैक्स मार्केट में बेची जा रही हैं, जो अपने अपने जगह पर काफी अच्छी भी हैं। मतलब इनमें लुक, डिजाइन, फीचर्स, माइलेज सब कुछ ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन वही है कि जब सेफ्टी की बात आती है तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं, और तब ऑप्शन में बचती है सिर्फ और सिर्फ टाटा मोटर्स। इस सेगमेंट में भी कंपनी ने अपनी 4-स्टार रेटिंग्स वाली गाड़ी उतारी हुई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आज जो एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी इसी 4-स्टार कार का है, जिसे उत्तर प्रदेश से मिस्टर जितेंद्र जी ने मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के कानपुर में किसी जगह पर हुआ है। हालांकि ये कैसे हुआ, किस स्पीड में हुआ, कुछ नहीं पता, लेकिन अगर इसको सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के लिए देखा जाए तो वाकई में आप निराश नहीं होंगे। तो जैसा कि फोटोज में साफ दिखाई पड़ रहा है कि गाड़ी रोड के साइड में लगे लोहे के रेलिंग के ऊपर पूरी तरह से चढ़ते हुए आगे तक चली गई है। अब हो सकता है किसी को बचाने के चक्कर में हुआ हो, या हो सकता है तेज रफ्तार में अनकंट्रोल हो जाने की वजह से हुआ हो। जो भी हो, जिस हिसाब से ये एक्सीडेंट हुआ है उस हिसाब से गाड़ी में नुकसान नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैचबैक का बम्पर तक कायदे से नहीं टूटा है, हालांकि अंदर की तरफ नुकसान आ गया होगा। दूसरी तरफ डिवाइडर पूरी तरह से उखड़ कर मुड़ गया है। तो भाई, लॉर्ड डिएगो ने एक बार फिर से साबित किया है कि कम पैसों में इससे बेहतर गाड़ी पूरे इंडियन मार्केट में नहीं है। हालांकि एक सेफ कार के साथ साथ सेफ ड्राइविंग भी बहुत जरूरी है। 4-स्टार आपको हर सिचुएशन में नहीं बचा पाएगा, इसीलिए आराम से और पूरे कंट्रोल में रहकर गाड़ी चलाएं। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।